गवर्नमेंट। इनके पास नए नए बहाने, लाइट नहीं थी इसलिए पटाखी भरी नहीं, पानी लीकेज है इसलिए नहीं। ये 11 दिन से कंटिन्यू हो रहा है। कि पानी का बिल नहीं भरेंगे तो तुम्हारा सामान जब्त कर देंगे, तुम्हारे घर को सील मार देंगे। अब हमको 11 दिन से पानी नहीं तो इनका क्या जब्त करना हम? अब ये तमाशा नहीं मानता, मुन्ना पानी देते तो दो, नहीं तो फिर हमको बड़े बड़े काम करना पड़ेगा और हम बड़े बड़े काम करने को हटने वाले नहीं। डाल दो अंदर जेल में, जाने को भी तैयार है। भाई सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है मुंब्रा के पानी पुरोठा विभाग पर। आपको बता दें कि संजय नगर इलाके में पानी नहीं आ रहा है, इसके लिए आज संजय नगर की महिलाएं जो है पानी पुरोठा विभाग पर, यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह से हाथों में जो है कलसी और मटका लेकर यहाँ पर तमाम महिलाएँ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। दरअसल पानी पुरोठा विभाग पर यहाँ पर ये महिलाएँ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं और यहाँ पर काफ़ी देर से ये महिलाएँ बैठी हुई थी, लेकिन पानी पुरोठा विभाग में बताया जा रहा है अभी तक कोई अधिकारी यहाँ पर है नहीं कि जो इनकी फरियाद सुन सके। यहाँ पर जो कुछ लोग आए हैं पानी के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। पानी दो, पानी दो। मोहम्मद भाई क्या कहेंगे आप लोग, क्यों नहीं पानी आ रहा है आप लोगों के यहाँ पर, क्या वजह है? इस्लामुद्दीन भाई, ऐसा देखा जा रहा है पिछले 10 से 11 दिन हुआ है संजय नगर में पानी जो है एकदम नहीं के बराबर आ रहा है, इसलिए लोगों को पानी का दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। मसला ऐसा है, जहाँ तक हमको ऐसा लगता है कि ये जो अपना सम्राट नगर में पानी की टाँकी ऑलरेडी है, जिसमें जहाँ से हमको पानी सप्लाई होता है, अभी एक गाँवदेवी में और शिवाजी नगर में दो टाँकी बनी हुई है लोगों का, और हमारा ऐसा मानना है कि वो टाँकी में से वहाँ पर पानी डाइवर्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से इसमें पानी का लेवल कम हो जा रहा है। अगर से आपको पानी डाइवर्ट करना है तो इसकी कैपेसिटी बढ़ाओ, ठीक है। फॉर एग्जांपल 10,000 लीटर का पानी या 5,000 उधर करते हो तो इसको 10,000 मेंटेन करो, ताकि यहाँ के लोगों को पानी कम नहीं पड़े। आप इसमें का आधा पानी वहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हो और उसके बाद में लोगों को पानी की तकलीफ आएगी। आपको पहले से सारी चीज़ अरेंज करके रखना चाहिए था। अच्छा, आप लोगों के यहाँ नीचे TMC का पानी नहीं था क्या, ऊपर से आ रहा है नीचे का जो लाइन था वो? नहीं, दरअसल ऐसा है, कुछ टाइम पहले कुछ महीने तक MIDC का पानी आता था जो 6 बजे से लेकर 7 बजे तक चलता था, बराबर। तो वो पानी कुछ महीनों से बंद किया गया, अब पता नहीं किस वजह से बंद किया, लेकिन हमने उनको पूछा कि भाई ये 6 बजे से 7 बजे का पानी MIDC का आपने क्यों बंद किया, क्योंकि उस वो पानी से संजय नगर के निचले हिस्से के लोग पानी भरते थे, लेकिन वो पानी बंद हो गया। यहाँ के लोगों ने हम लोग को ऐसा कहा कि जो आपको पानी बंद किया 1 घंटा, तो जो हम रात में जो पानी आएगा 6 बजे से लेकर जो 7 बजे से जो आएगा वो 8:30 बजे तक आता था, उसको 9 बजे कर दिया जाएगा, मतलब आधा घंटा एक्सटेंड किया जाएगा। तो हम लोग सेटिस्फाइड हो गए, ठीक है भाई कोई बात नहीं, आधा घंटा बढ़ जाएगा तो हम लोग भर लेंगे। लेकिन ऐसा हो गया, अभी वो पानी बंद हो गया, उसके बाद में ये पानी का प्रेशर भी कम हो रहा है, तो जाहिर सी बात है लोगों को पानी की दुश्वारियाँ तो आएगी। और यहाँ पे बोलने के बाद, कई बार बोलने के बाद भी वो पानी का, अभी करीब 1.5 से 2 घंटे लगभग हो गए हैं आप लोगों को यहाँ विरोध प्रदर्शन करते, अभी तक पानी पुरोठा विभाग में जब से आए आप लोग कोई अधिकारी था भी नहीं, और कई लोगों ने आप लोगों ने शायद फोन ऑन करके जानकारी भी दी है, अभी तक कोई अधिकारी आया या नहीं आया? कितना देर, 2 घंटे कंप्लीट हुए क्या? 2 घंटे हमको लगभग हो यहाँ बैठकर, और इंशाल्लाह हमारी तो ये है कि अगर से रात भर भी अगर से कोई अधिकारी ना, तो हम लोग रात भर भी बैठेंगे, क्योंकि हमारा ये परमानेंट सॉल्यूशन हमको मिलना चाहिए, क्योंकि बेसिक चीज़ों के लिए हम लोग को जूझना पड़ रहा है, तो कितनी शर्म की बात है। यहाँ के अधिकारी हो, यहाँ के लोक प्रतिनिधि हो, जो भी हो, XYZ, किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं है, लेकिन जो जो इसमें मतलब इन्वॉल्व है, सबकी जिम्मेदारी, हमको बेसिक हमारी नेसेसिटी जो हमारी ज़रूरत है वो पूरी करके हमको देना चाहिए। अभी बताया जा रहा है कि गांव देवी और उसके आगे जो एक पानी की टंकी बनाई गई है, तो वहां से पानी जो है डाइवर्ट होने की वजह से संजय नगर के इलाके में पानी की किल्लत हो रही है, ये बात हमें पता चली और ये सही बोल रहे हैं, उसकी वजह से किल्लत हो रही है। लेकिन ये अधिकारियों की जिम्मेदारी है, अगर आपको पता है 4 दिन से पानी नहीं आ रहा है, MIDC का काम चालू है या डैम का किधर काम चालू है, तो पहले आप पानी आने दो, टाकी भरने दो, जनता को आप पानी दे दो, लोगों को आप पानी दे दो, उसके बाद अगर आपको आपको पता है लोगों को पानी जा रहा है, रेगुलर शुरू है, उसके बाद आप ऊपर की टाकी में पानी भरो। तो अगर 4 दिन से 15 दिन से पानी नहीं आ रहा है और उस वक्त अगर आप ट्रायल लेने जाओगे तो ये गलत है, ये मैं बोलती हूँ। आप यहाँ पर आए, किसी पानी पुरोठा विभाग के किसी अधिकारी से संपर्क किया कि, तो यहाँ पर कोई है ही नहीं? हम लोग ये बच्चे यहाँ पे 2 घंटे से बैठे हैं, उसके बाद हम लोग आए यहाँ पे, अभी तक कोई नहीं मिला है हमें। जब से आए तब से फ़ोन पे बात करी और ये लोग ही फ़ोन पे बात कर रहे हैं। मेरी सिर्फ एक बार सालों के हिसाब से बात हो चुकी है, मैंने उनको यही बोला है जब तक यहाँ पे कोई आएगा नहीं, जो इनकी मांग है तब तक यहाँ से कोई। पानी पुरोठा विभाग के जो इंजीनियर है, सालों के साहब ऑफिसर है, उनसे ही बात हुई है। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ी राजनीति है कि 4 साल पहले अगर संजय नगर में पानी की गंगा बह रही थी
तो 4 सालों से लोगों को पानी की तकलीफ क्यों हो रही है? बार बार ठाणे महानगर पालिका से पत्र व्यवहार किया है, बार बार उनसे बात की है, बार बार उनको शिकायतें की है, उसके बाद भी आपका जो पानी विभाग का जो सिस्टम है वो काम क्यों नहीं कर रहा है ठीक से? इसके पहले भी आपका सिस्टम वही था, अभी भी वही है, तो अभी ये लोगों को तकलीफ वो भी इलेक्शन के मुंह पे आप क्यों दे रहे हैं? राजनीति में आके पानी प्रोटा विभाग पानी की कटौती कर रहा है, ऐसा कह रहे हैं क्या? जरूर, मेरा यही कहना है, थाने महानगर पालिका के अंडर आता है, थाने महानगर पालिका में किसकी सत्ता है? शिवसेना की सत्ता है, तो ये आप उन्हीं ऑफिसर से पूछे कि आप किसके कहने पे हमारे लोगों का पानी काट रहे हो, तो शायद वो आपको सही जवाब दे पाएंगे हमसे ज्यादा। मेरा तो यही कहना है कि जो पानी है आज 11 दिन हुआ, हम लोग बार बार आके कंप्लेंट दिए अधिकारियों को, इनके टाइम इनके पास नए नए बहाने, लाइट नहीं थी इसलिए टाकी भरी नहीं, पानी लीकेज है इसलिए, तो ये 11 दिन से कंटिन्यू हो रहा है। ये सवाल कर रहे थे उनको, हम लोग बोले भी थे कि हम मोर्चा लेके आएंगे, नहीं नहीं हो जाएगा, बस अभी भी अधिकारी से बात हुई सालूंगे साहब से मेरी, तो उन्होंने खाली इतना बोला है कि आपका प्रॉपरली हो जाएगा, आप चले जाओ। मैं बोला फ़ोन पर आश्वासन नहीं चाहिए आपको, यहाँ पर आके आप बोलिए, क्योंकि ये इतनी उम्र वाली औरत है, सुबह पानी नहीं रहता, ये लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, मसले बहुत बड़े बड़े। छोटे बच्चे कल से लेके नीचे आते पानी भरने, 11 दिन हो गए हमको पानी नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं है। अभी पकाना खाना क्या, हम लोग गांव छोड़ के जाना, बोलो बोलो तो एरिया छोड़ के चले जाते, तुम लोग ही राजनीति बना लो, इधर राज कर लो, बोलना आके हर हमको दम दिया जाता गल्लो गली कि पानी का बिल नहीं भरेंगे तो तुम्हारा सामान जब्त कर देंगे, तुम्हारे घर को सील मार देंगे। अब हमको 11 दिन से पानी नहीं, तो इनका क्या जब्त करना, हम अब क्या जब्त करना उनका, पानी नहीं है। हमारे छोटे छोटे बच्चे म्यूनसिपाल्टी के नल थे वो भी काट डाले, कम से कम 1-1 घंटा पीने को तो लाते थे, 200-200 रुपए का पानी लाना पड़ रहा पीने के वास्ते, उनके क्या बाप के ने हमें को कमा के दिया था, इनकी पगारा बढ़ गई, हमारे को भीख को लगा दे रहे क्या? ये तमाशा नहीं मांगता, वरना पानी देते तो दो, नहीं तो फिर हमको बड़े बड़े काम करना पड़ेगा, और हम बड़े बड़े काम करने को हटने वाले नहीं, डाल दो अंदर जेल में, जाने को भी तैयार है। रुको जाओ मत, आप क्या कह रहे हैं? उधर भी जाने, वही जो सबकी तकलीफ हो, मेरी भी तकलीफ है, पानी आता नहीं है, पहले 5:30 बजे से पानी आ जाता था, अभी 7:30 बज जाता है, पानी देखते देखते पानी आता है, चढ़ते चढ़ते 8 बज जाता है, 8:15 बजे पानी बंद हो जाता है, 10-15 मिनट में कौन सा पानी भरेगा इंसान, उतने पानी में क्या होने वाला है, तो हम लोग को पानी चाहिए। और यहाँ आके बोले तो बोलते साहब नहीं है, जाओ साहब से बात करो, साहब नहीं आए तो दीवाने जैसे भगा देते, क्योंकि हमारी इज्जत ही साहब नहीं रहते, खाली पगार लेने के टाइम रहते, आए यहाँ आके बोली ना, मैं 2-3 बार आके साहब नहीं है, साहब आएंगे जब बात करो, साहब आएंगे जब बात करो, साहब आएंगे जब बात करो, लेके आए 4 बजे के, 4 बजे से, अभी 4 बजे से पहले इनके अधिकारी चले जाते क्या? अभी 6:15 बज गया, अभी 4 बजे से खाली फोन पे बोले जा रहे, लेकिन कोई आ नहीं रहा है सामने, और नहीं आएंगे तो हम जाएंगे नहीं, हम लोग पूरी रात यहाँ बैठे, यहाँ ही बैठेंगे, जब तक कोई नहीं आता हम लोग जाएंगे, हम जाएंगे नहीं यहाँ से, हमारा नहीं है, वैसे भी हमारे को काम ही नहीं है, खाना पकाना तो है ही नहीं, पानी नहीं तो खाना कैसे बनाएंगे, कहाँ से बनाएंगे? तो आपने सुना कि ये संजय नगर के तमाम महिलाएं हैं, और उनके साथ में कुछ जो है जेंट्स भी हैं, जो यहाँ पानी प्रोत्साहन विभाग पर यहाँ पर जो है विरोध प्रदर्शन के लिए आए, क्योंकि पानी की काफ़ी किल्लत है। इनका कहना है कि मुमरा गांव जो भी बाईपास से लगकर जो इलाका है, वहाँ पर एक पानी की टंकी बनाई गई थी, और उसके आगे चार मीनार जहाँ है उससे थोड़ा सा आगे एक पानी की टंकी बनाई गई थी, और पानी डाइवर्ट होने की वजह से संजय नगर इलाके में पानी की तकलीफ हो रही है, ऐसा इन लोगों का कहना है। बहरहाल अभी तक पानी पुरोठा विभाग के जो अधिकारी हैं वो इन लोगों ने बताया कि इन्हें फ़ोन करके जानकारी भी दी गई, लेकिन अभी तक वो यहां पर पहुंचे नहीं हैं, और ऐसे में इन तमाम महिलाओं का जो है यहां पर विरोध प्रदर्शन जारी है। कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।